हेलो दोस्तों, आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया ही होगा। तो क्या आप जानना चाहोगे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस कहाँ तक पहुँची? कहीं सुधार की ज़रूरत तो नहीं, या कहीं रिजेक्ट तो नहीं हुआ? यदि नहीं, तो हमारी स्कॉलरशिप की राशि अकाउंट में कब तक आएगी? एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के 3 तरीके हैं। आज हम पहला तरीका सीखेंगे। इसके लिए हमें एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत होगी। चलिए अब हम सीखते हैं। अब हमें किसी भी ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करना होगा स्कॉलरशिप और एंटर करें। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें, को होम बटन पे क्लिक करना है। नोटिस कट करें, स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन हो चुकी। अब हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। सेकंड कॉलम की तरफ देखेंगे तो हमको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई दे रहा है। इसमें सभी योजनाओं की लिंक दी गई है, जिससे आप जिस भी योजना में फॉर्म फिल किए थे उसी योजना में आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या आवास सहायता योजना में आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको आवास सहायता योजना में क्लिक करना होगा, या ट्रैक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करें। अब आपको एप्लीकेशन आईडी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी इंटर करना है। अब हमें सत्र चयन करना है, जिस सत्र को हमें देखना है। सो माय एप्लीकेशन में क्लिक करें। पेज को स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक रिकॉर्ड। यहाँ पर आप सीरियल नंबर 6 पे देखें, ये जो डेट दिखाई दे रही है 9/11/2019, ये आपके फॉर्म फिल करने की डेट है। इसके बाद आप सीरियल नंबर 1 पे देखेंगे, डिसबर्स्ड का मतलब वो आपकी जो राशि है वो वितरित कर दी गई है। किस डेट को? 16/7/2020 को। कुछ समय बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने की जरूरत होती है। आप यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर 1 पर करेक्शन रिक्वायर्ड, रिजल्ट टेम्प्रेरी, मतलब आपको करेक्शन करने की जरूरत है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कुछ समय के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है। आप एप्लीकेशन फॉर्म को सही से फिल करके आप दोबारा कॉलेज में जमा करें। यह उन विद्यार्थियों का एप्लीकेशन स्टेटस है जिन्हें करेक्शन करने के लिए कहा गया था, किंतु उनके द्वारा करेक्शन नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर 3 करेक्शन रिक्वायर्ड, रिजेक्ट टेम्प्रेरी। सीरियल नंबर 1 पे देखेंगे रिजेक्ट परमानेंटली, आपका जो ये फॉर्म है वो हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आपको नेक्स्ट ईयर फिर से इसी वर्ष का फॉर्म फिल करना होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।